चाहे देश के पीएम हो या कोई साधारण इंसान, माँ सबके लिए बस माँ होती है। जीत और हार से ऊपर है माँ का प्यार। भले ही चुनावी मंच हो, लेकिन माँ की याद हर इंसान को भावुक कर देती है। और मौका मदर्स डे का हो तो फिर क्या कहने। पश्चिम बंगाल में मदर्स डे के खास मौके पर पीएम मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल रविवार को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नज़र भीड़ में खड़े दो युवकों पर पड़ी। दोनों युवकों के हाथों में पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीर थी। ये दोनों ही लोग पीएम मोदी की सभा में शामिल होने आए थे। पीएम ने जब इन्हें अपनी मां की तस्वीर के साथ देखा तो चुनावी भाषण छोड़कर मां की तस्वीर की चर्चा करने लगे। यहां दो सज्जन दो कोने में चित्र बना करके लाए हैं और कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। आपका हाथ तो पेन होगा भैया, लेकिन आप इतने प्यार से लाए हैं और वो भी मेरी मां का चित्र बना के लाए। मंच पर जनसभा को संबोधित करने के दौरान अचानक पीएम थोड़ी देर के लिए रुक गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से दो सज्जन दो कोने में चित्र बनाकर लाए हैं और कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। आपका हाथ दर्द करने लगेगा, आप इतने प्यार से लेकर आए हैं और वो भी मेरी माँ का चित्र बनाकर लाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम की दुनिया आज मदर्स डे मनाती है, लेकिन हम भारत के लोग तो 365 दिन माँ की भी पूजा करते हैं। और पश्चिम की दुनिया आज मदर्स डे मनाती है, हम भारत के लोग तो 365 दिन माँ की भी पूजा करते हैं, दुर्गा माँ की भी पूजा करते हैं, काली माँ की भी पूजा करते हैं और भारत माता की भी पूजा करते हैं। पीएम मोदी ने मंच से कहा, आप पीछे अपना नाम पता लिख देना, मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजने का प्रयास करूंगा। ये दोनों मेरी माँ की तस्वीर बना कर लाए हैं, आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद पीएम के निर्देश पर एसपीजी के जवानों ने दोनों तस्वीरों को अपने पास रख लिया। मैं एसपीजी के लोगों को कहूंगा, ये दो सज्जन जो बना के लाए, आप पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजने का प्रयास करूंगा। ये दोनों मेरी माँ की तस्वीर बना के लाए हैं, आप दोनों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।